कभी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। आज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में भाजपा की सदस्यता ली। विनोद तावड़े ने विजेंद्र सिंह को फूलों का गुलदस्ता देकर पार्टी में स्वागत किया और उन्हें पार्टी में आने पर बधाई दी। विजेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी में विकसित भारत के संकल्प के लिए जुड़े हैं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी का पक्ष भी रखा है और पहलवानों द्वारा किए गए प्रदर्शन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर पहलवानों का साथ दिया था और मीडिया में भी अपना पक्ष रखा था। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि एक तरह से मेरी घर वापसी हो रही है। राम राम सभी को, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल हो कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं। और मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगे गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 30 मार्च को एक लाइन का पोस्ट किया था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उन्होंने लिखा, जनता जहां चाहे मैं तैयार हूं। विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और पहले चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी वे पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन दिसंबर 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास की बात कही थी।